ईश्वरी उनके नए पोते आयुष को वेलकम करती हैं बहुत चाव से, जो सोनाक्षी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करके रखा है, जो सोनाक्षी को लगता है कि वो सुहाना के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद उन्होंने नया बेड खरीद के सुहा के रूम में रख दिया था और उसका ही फेवरेट बेडशीट भी लगा दिया था, जो सोनाक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसी टाइम उसको चेंज करवा दिया, सारे टॉयज़ अलग रख दिए और उनको समझाने की कोशिश भी की कि सुहाग के इनोसेंट मन को वो हर्ट ना कर सके। उसके बाद देव आ गया वहाँ पे और अक्षी उसको भी समझा रही थी कि ऐसा हो रहा है उनकी माँ के साथ जो बिल्कुल भी सही नहीं है आयुष और सुहाना दोनों के लिए, लेकिन देव उसको समझने के लिए इनकार कर देते हैं। और उसके बाद ईश्वरी आयुष को लेकर मंदिर चली जाती है भगवान को थैंक्स बोलने कि उनको उनका पोता मिल गया। इसके बाद सुहाना स्कूल से रिटर्न आती है और देव उनको बताते हैं कि उनको उनका रूम शेयर करना पड़ेगा उनके बेटे की वजह से, बिकॉज़ वो दोनों एक साथ रहेंगे तो उनका बॉन्ड अच्छा होगा। तो यही सोच के उन्होंने सुहाना को बताया ये सब। उसके बाद ईश्वरी ने सबको डाइनिंग टेबल में बुला लिया खाने के लिए। उसके बाद वो आयुष को खाना खिलाने चली गई और उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये करने से, लेकिन सुहा को वो बुरा लग गया क्योंकि उनकी दादी पहली बार उनसे ज़्यादा किसी और पे फोकस कर रही थी। लेकिन ईश्वरी को इसका कुछ भी मतलब आइडिया नहीं था, वो आयुष के ऊपर ही ज़्यादा व्यस्त थी और सोनाक्षी को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो गई और फिर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उसके ऊपर क्योंकि सुहा ने ये बताया था कि उसको आयुष पसंद नहीं था। इसके बाद देव आ गया वहाँ पे, देव से ऐश्वरी बात करने लगी और सुहाना के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। तब सोनाक्षी को बहुत बुरा लगा, उनको याद आया कि ईश्वरी ने ही बताया था कि वो उनकी पोती का दर्जा कभी कम नहीं करेगी। उसके बाद सुहाना चली गई आयुष से बात करने के लिए और उस टाइम पे आयुष एक बुक पढ़ रहे थे जो बिल्कुल भी सुहाना को पसंद नहीं आया। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।